होली में खुशियों की सौगात। प्राचीन भारत में विक्रमगढ़ नाम का एक बड़ा राज्य हुआ करता था। राजा विक्रम सिंह उस राज्य का राजपाट संभालते थे और उनकी बीवी रानी निर्मला उनके साथ रहती थी। उनका राज्य था तो बड़ा विशाल, लेकिन वहां अक्सर सूखा पड़ा रहता था, जिसके कारण अन्न की बहुत दिक्कत होती थी। सूखे के कारण अक्सर पीने का पानी भी पूरा नहीं पड़ पाता था। राजा अक्सर इस परेशानी की वजह से चिंतित रहते थे। एक दिन राजा और रानी में बात होने लगी। राजन, आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। बताइए रानी, बहुत समय हो गया है मुझे कोई अच्छी खबर सुने हुए। मैं आपको वह तोहफा देने वाली हूँ जिसकी कल्पना हर राजा करता है। अच्छा, हम भी सुने, ऐसा कौन सा तोहफा है? मैं पेट से हूँ, बहुत ही जल्द आप पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर राजा गंभीर हो जाते हैं। क्या हुआ राजन, क्या आपको यह बात पसंद नहीं आई? निर्मला, यह मेरे क्या, किसी के लिए भी बहुत ही सौभाग्य की बात होती, लेकिन तुम समझ रही हो कि हमारे राज्य की इस समय क्या हालत है। लोग भुखमरी और पानी की कमी के कारण मर रहे हैं। अगर ऐसे समय में एक और संतान को जन्म देता हूँ तो प्रजा मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि वैसे ही हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है और राजा जी खुद यहाँ अपना परिवार बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने ही तो राज्य में आदेश जारी किया है कि सिर्फ एक पुत्र या पुत्री होने की ही सहमति है। यह तो हमारा पहला ही बच्चा है, तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन वो तो प्रजा के लिए है, मैं कोई भी संतान कैसे पा सकता हूँ जब तक राज्य की हालत थोड़ी बहुत सुधर नहीं जाती। जाओ, जड़ी बूटी ले आओ जिससे तुम अपना गर्भपात करा सको। यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी धर्म पत्नी होने के साथ साथ मैं इस होने वाले बच्चे की माँ भी हूँ। मैं इसे गिराने का सोच भी नहीं सकती। जो आप कह रहे हैं वह असंभव है। रानी, ये कोई विनती नहीं है, यह मेरा आदेश है। या तो इसका पालन करिए या तो मेरी नजरों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए चली जाइए। और याद रखिएगा, इस राज्य के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रानी यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उनके आंसू देखकर राजा को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते। मैं क्या, इस जहान की कोई भी औरत हो, उसे अगर प्रेम और ममता के बीच चुनना पड़े तो वह हर बार ममता को ही चुनेगी। मैं तुरंत ही आपके इस राज्य से निकल जाती हूँ, लेकिन मैं खुद अपने इस बच्चे को कुछ भी नहीं होने दे सकती। यह कहकर रानी पैदल ही राजभवन से चली जाती है और राज्य की सीमा से बाहर निकल जाती है। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंच जाती है और ना ही उसके आंसू रुकते हैं, ना ही उसके कदम। वहीं पास रानी एक नदी देखती है। कुछ देर वहीं रुकती है, पहले नदी के पानी से अपने आंसू धोती है। जैसे ही वह अपने आंसू धोती है, उनके थोड़े आंसू नदी के अंदर गिर जाते हैं और वहां से दो सुंदर सी परियां प्रकट हो जाती हैं। आप लोग कौन हैं? अरे आप फिक्र ना करें, मैं और मेरी बहन इस नदी की परियां हैं। इस नदी पर जब भी कोई इंसान या पशु दुखी होकर आता है तब हम उसकी मदद करते हैं। मेरा नाम इंद्रसेना है और यह मेरी जुड़वा बहन चंद्रसेना है। आपको देखकर लगता है कि आप किसी राजघराने से हैं। आपको किस तरह की विपदा होगी? रानी निर्मला अपनी पूरी कहानी उन परियों को बताती है और परियां रानी को आश्वासन देती हैं कि वह उनके बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे और रानी और उनके बच्चे का ख्याल रखेंगे। आप हमारे साथ साथ बड़े आराम से रहिए। रानी को कुछ ही दिन बाद एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा होता है। रानी उसका नाम धर्म सिंह रखती है। परियां प्यार से उसे अलबेला बुलाती हैं। अलबेला का बचपन परियों और अपनी माँ के साथ बड़े आनंद से गुजरता है। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। एक दिन रानी एक सिपाही को देखती है। सिपाही के रक्षा कवच पर रानी के राज्य का चिन्ह होता है। सिपाही, अपने राज्य से इतना दूर तुम क्या कर रहे हो? राजमाता की जय, मुझे भेजा है राजा ने
वो कई सालों से आपकी तलाश कर रहे हैं। मेरे जैसे ना जाने कितने सैनिकों को उन्होंने हर दिशा में भेज रखा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मुलाकात कर पाया। यह सुनकर रानी बहुत खुश होती है और निर्णय लेती है कि वह अपने बेटे धर्म सिंह के साथ वापस अपने राज्य जाएंगी। यह समाचार जब रानी अपने बेटे को सुनाती है तो वह भी बहुत आनंदित होता है। परियां कहती हैं, ठीक है आप जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम भी आपके साथ चलेंगे। रानी परियों और अपने बेटे के साथ राज्य के लिए निकल जाती हैं। निर्मला, इतने साल बीत गए, ना जाने कितने बार मैंने तुम्हें याद किया होगा। तुम्हें इतने सालों से तलाश रहा हूँ, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? तुम लौट के क्यों नहीं आई अब तक? मैं इस कारण से नहीं आई कि आप मेरे पुत्र को कोई हानि न पहुँचा दें। मुझे आज तक मेरे व्यवहार के लिए शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। बेटा धर्म सिंह, आओ अपने पिता के गले लगो। अब राजा रानी, उनका पुत्र और परियां सब मिलकर साथ में राजभवन में रहने लग जाते हैं। दो दिन के बाद होली का त्योहार आता है। रानी, अब होली तो आ गई, क्या आप अपने और अपने राज्य के लिए रंग नहीं मंगवाएंगी? शायद आप जानती नहीं है, पर मेरे राज्य में पानी की हमेशा से ही परेशानी रही है, इसीलिए हम होली नहीं मनाते। यहाँ लोगों के पास ठीक से खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, तब हम एक त्योहार पर कहाँ से पानी खर्च कर सकते हैं? राजन, शायद आप यह नहीं जानते कि आपका पुत्र जो है वह कितना भाग्यशाली है। वह आपके लिए सिर्फ आपकी धर्म पत्नी रानी को ही साथ नहीं लाया, बल्कि आपका भाग्य और इस पूरे राज्य का सौभाग्य भी लेकर आया है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझा नहीं। आप सिर्फ राज्य के लिए बहुत सारे रंग मंगवा लीजिए और हर रंग के संदूक पर सिर्फ आप अपने बेटे का हाथ स्पर्श करवा दीजिए, बस। राजा परियों की बात मान लेता है और ढेर सारे रंग मंगवाता है और हर रंग के संदूक पर अपने बेटे का हाथ रखता है। इसके बाद बड़ा चमत्कार शुरू हो जाता है। राजा जी की जय हो। राजन, मैं बहुत ही शुभ समाचार लाया हूँ आज आपके लिए। बताओ क्या बात है? मैं जानता नहीं यह चमत्कार हुआ कैसे, लेकिन कल रात को अचानक बड़ी तेज की बारिश हुई और हमारे राज्य के बगल से ही एक नदी बहने लगी। उस नदी के तट पर सोना भी पाया गया। यह देखिए, मैं राज खजाने में रखने के लिए कितना सारा सोना लाया हूँ। और तो और, हमारी जितनी भी फसलें मुरझाई हुई थी, अचानक उनमें जान आ गई है। किसान कह रहे हैं कि वो एक दो दिन में काटने के लिए भी तैयार हो जाएगी। सबके घर में अन्न धन भी आ गया है। राजा खुशी से फूले नहीं समाए। वह परियों के पास जाते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। ना जाने मैं आपके इतने बड़े उपकार का भुगतान कैसे कर पाऊंगा। आपने मेरे राज्य की पानी की समस्या, खाने की समस्या को तो दूर कर दी और मेरा राज खजाना भी भर दिया। पूरी प्रजा के घर में अन्न धन दोनों आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजन, आप हमें धन्यवाद ना दें। यह सब चमत्कार आपके पुत्र के भाग्य का है। आपके पुत्र के कारण अब आपके राज्य में कभी भी किसी के पास अन्न और धन की कमी नहीं होगी। आपका पूरा राज्य खुशहाल रहेगा। इस होली के त्योहार में राज्य के सभी लोग शामिल होते हैं। राज्य का बच्चा बच्चा बहुत उत्साह से इस बार होली मनाता है। सबकी जितनी भी परेशानियां थी खत्म हो जाती हैं। पूरा राज्य खुशहाल हो जाता है। यह देखकर परियां बोलती हैं, अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ। अब राजा रानी और अलबेला आप राजी खुशी यहाँ रहिए और हम वापस जाते हैं। दोनों परियां हंसते मुस्कुराते हुए आकाश मार्ग से उड़ते हुए चली जाती हैं। जादुई सुनहरा पंख। राजा जयसिंह के कोई संतान नहीं थी। विवाह के 10 बरस बीत गए थे। एक दिन राजा अपने दरबार में चिंता मुग्न मुद्रा में बैठे थे। उनकी पत्नी रानी सुमंगला के पैरों में पिछले कई दिनों से कोई हरकत नहीं थी। वैद्य हकीम हर तरह की दवाइयां देकर हार गए थे। साधारण से ज्वर से रानी का ये हाल देखकर राजा की सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही थी। राजा अनमने मन से उठे
और अपने बूढ़े मंत्री से बोले, मैं शिकार के लिए जाना चाहता हूँ, मेरा सफेद घोड़ा निकलवा दीजिए। वह बूढ़े मंत्री बहुत चालाक थे, उन्होंने बिना कुछ कहे सफेद घोड़ा निकलवा दिया, लेकिन खुद भी राजा के पीछे पीछे चल दिए। राजा जंगल में पहुंचकर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। थोड़ी देर बाद ही अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह उनकी रानी ठीक हो जाए। अचानक वृक्ष पर पंछियों के कोलाहल से उनकी मुद्रा भंग हो गई। जैसे ही उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, सभी पक्षी उड़ गए। कुछ सुनहरे पंख पेड़ के नीचे गिर गए थे। राजा जयसिंह ने उन पंखों को उठा लिया, थोड़ी देर वहां बैठे, इसके बाद सफेद घोड़े पर सवार हुए और महल की ओर रवाना हो गए। इतने में ही डाकुओं की एक टोली ने राजा को रोक लिया। डाकुओं का सरदार कामेश्वर प्रसाद बोला, अपना घोड़ा, ये कीमती वस्त्र, तलवार और आभूषण हमारे हवाले कर दो, वरना सर धड़ से अलग कर देंगे। घने जंगल में राजा असहाय थे। बूढ़े मंत्री ने देखा कि अब राजा का बचना मुमकिन नहीं है, वो वहीं से वापस आ गए। राजा ने डाकुओं से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, मैं सब कुछ उतार दूंगा, पर मुझे मत मारो। यह कहकर उन्होंने सब कुछ उतार कर दे दिया। डाकुओं ने सारा सामान ले लिया और घोड़े को लेकर चले गए। राजा के पास सिवाय उस पंख के और कुछ भी नहीं था, क्योंकि पंख उन्होंने नीचे ही रख दिया था। डाकुओं के जाने के बाद उन्होंने पंख हाथ में उठाया ही था कि उनके पूरे शरीर पर वस्त्र आ गए और उनका घोड़ा दौड़ता हुआ उनके पास आ गया। राजा जयसिंह तुरंत घोड़े पर सवार हुए और महल की तरफ बढ़ गए। महल पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले सिपाहियों को जंगल में भेजकर डाकुओं को पकड़ने का आदेश दिया। रानी सुमंगला के पास आकर उन्होंने वह सुनहरा पंख उनके हाथों में दे दिया और बोले, रानी, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप ठीक हो जाएंगी। राजा ने जंगल में होने वाली सारी घटना रानी को सुनाई। रानी सुमंगला के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान दौड़ गई। रानी ने जैसे ही उस पंख को हाथ में लिया, उनके पूरे शरीर में कंपन हुआ। फिर वो उठकर बैठ गई और बोली, मुझे सहारा देकर उठा दीजिए, मैं उठ सकती हूँ। राजा ने रानी सुमंगला को अपना हाथ देकर उठाया और वाकई रानी के पैरों में जान आ गई। सिपाही डाकुओं को पकड़कर ले आए। डाकुओं को कारावास दे दिया गया। रानी ने ऐलान करवा दिया कि आज पूरे राज्य के लोगों को दावत में बुलाया जाए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। बूढ़े मंत्री को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि राजा वापस आ गए और रानी भी ठीक हो गई। उसने सोचा था कि अब राजा जयसिंह लौटकर तो आएंगे नहीं और उनका बेटा पूरे राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। ये अनहोनी कैसे हो गई? वह राजा के पास गया और बोला, राजा साहब, रानी सुमंगला किस वैद्य की दवा से ठीक हुई? राजा ने सुनहरे पंख के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। वह बूढ़ा मंत्री मन ही मन योजना बनाने लगा कि कैसे सुनहरा पंख उनके पास आ जाए। बूढ़े मंत्री ने अपनी पत्नी को रानी सुमंगला का हाल जानने के लिए भेजा और उसको सुनहरे पंख के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने कहा, किसी तरह सुनहरा पंख हमारे पास होना चाहिए। जब मंत्री की पत्नी रानी के पास पहुंची, तो रानी सुनहरे पंख को अपने हाथों में लेकर बैठी थी। इधर उधर की बातें हुई। जब वह जाने लगी तो उसने कहा, ये पंख थोड़ी देर के लिए मेरे हाथों में दे दो। उन्होंने उनके हाथ में पंख पकड़ा तो दिया, पर उसको खुद भी पकड़ी रही। मंत्री की पत्नी ने उनके हाथ से पंख ले लिया और बोली, हमारे बेटे को इस राज्य का उत्तराधिकारी बना दो। उसके इतना कहते ही उसके हाथ कांपने लगे और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। रानी सुमंगला ठहाका लगाकर हंस पड़ी। तभी राजा जयसिंह रानी के कक्ष में आ गए
उन्होंने मंत्री की पत्नी को इस हालत में देखा तो हैरान हो गए। रानी ने राजा को सब कुछ बताया। राजा ने कहा, इनके मुंह पर पानी के छींटे डालो, होश में आ जाए तो उनके घर भिजवा देना। मैं चलता हूँ, बूढ़े मंत्री की खबर लेता हूँ। जिसको मैंने जीवन भर इतना सम्मान दिया, वही आस्तीन का सांप निकला। राजा ने तुरंत बूढ़े मंत्री को उनके बेटे सहित बुलवाया और उन सबको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। रानी सुमंगला भरपूर श्रृंगार करके रात की दावत में शामिल हुई। सुनहरे पंख उनके जूड़े की शोभा बने थे। कुछ ही महीनों के बाद राजा के यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा ने उन सुनहरे पंखों को अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया। जब भी कोई कठिनाई आती तो सुनहरा पंख निकालकर उससे विनती की जाती और राजा को उस समस्या से मुक्ति मिल जाती। जादुई सुनहरे पंख ने राजा जयसिंह और रानी सुमंगला का जीवन खुशियों से भर दिया।